हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, आपके लिए, आपके घर के बड़ों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, सबके लिए। इनफैक्ट ये एक सोशल अवेयरनेस मैसेज है जिसको स्प्रेड करने की ज़रूरत आज है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, जो स्टेटिस्टिक्स हमने यहाँ बताए हैं ये आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, आजकल हर जगह इस बारे में बात हो रही है। और मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि आज की डेट में एयर पोल्यूशन एक बीमारी बन चुका है, तो इस बीमारी से कैसे लड़ें या कैसे अपने बच्चों को और अपने आप को बचाएँ, वो वीडियो करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आज आपके लिए लाई हूँ और इसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपसे प्रिवेंटिव मेजर्स शेयर करूंगी जिससे आप काफी हद तक अपने आप को और अपने बच्चों को बचा के रख सकते हो। बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हूं मैं ये जान के कि आज की डेट में इंडिया में 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ का एक मेजर रीजन बन चुका है एयर पोल्यूशन। अब ऐसा लगता है कि मतलब सांस लेना जो हमारा एक प्रिविलेज है वो एक्चुअल में एक बीमारी में कन्वर्ट होता जा रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। काफी दिनों से मैं जितने भी बच्चों से मिल रही हूँ, हर किसी को कफ की प्रॉब्लम या कोल्ड की प्रॉब्लम, रनी नोज की प्रॉब्लम, स्किन एलर्जीज, ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं। इनफैक्ट मैं बच्चों की बात क्या करूँ, मैं आपको अपना ही बताऊँ तो लास्ट 3-4 दिन से मैं खुद ब्रीदिंग डिसकम्फर्ट जो है वो फील कर पा रही हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ और जब मैं ब्रीदिंग डिसकम्फर्ट फील कर रही थी तो जैसे ही मैंने अपने एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया तो वहाँ पर आया कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 429 है, यानी कि सिवियर कैटेगरी में बिलोंग करता है। हमने यहाँ पर आपके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट भी लगाया हुआ है जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये चार्ट हर किसी के लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे वो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपका एक्शन क्या है, आपको बाहर जाना चाहिए, आपको घर पे रहना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, आपको किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, वो सब डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो और वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। जैसा कि इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि 200 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर किसी जगह का तो वो बहुत ही ख़राब है, और अगर 400 से ऊपर है तो वो सिवियर है। जैसे मैंने बताया नोएडा में अभी कुछ दिनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 429 चल रहा है, यानी कि बहुत ही ख़राब एयर क्वालिटी चल रही है, जिसका मतलब है कि ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसी टाइम पे हैं। तो आप इस चार्ट को, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने एरिया का कैसे चेक करो उसके लिए हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर इमिजिएटली लॉग इन करके एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि कैसे जाने कि हम एक पोल्यूटेड जोन में हैं भी या नहीं। अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको हम नॉर्मली भी कॉमन बीमारियों के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप बच्चों में देखोगे तो उनका नाक बहना या फिर उनका नाक बंद हो जाना, खांसी की प्रॉब्लम हो जाना, स्किन की काफ़ी एलर्जीज होना, क्योंकि हवा में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं अभी कि स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है, डल फील करती है, स्किन में एलर्जीज होने के चांसेस जो हैं, छोटे छोटे दाने हो जाना, वो सब काफ़ी बढ़ जाता है। उसके अलावा आँखों की प्रॉब्लम, आँखों में पानी भरे रहना या फिर आँखें मलना, आँखों के अंदर एक इरिटेशन सा फील करना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो सकती है। आप कैसे जानो कि आपके आसपास की हवा ख़राब है, उसका एक तरीका और है। आप अपनी बैल्कनी में या अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ, आप अपने सामने वाली जो बिल्डिंग है जिसको आप पहले बिल्कुल क्लियरली देख पाते थे, मतलब थोड़े से डिस्टेंस तक, जब वो आपको अनक्लियर दिखने लग जाए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो है ये सारा पोल्यूशन है जो आसपास के एरियाज को भी उसने उसको एक कवर सा बना दिया है। तो वो भी एक आसान तरीका है, बट जो प्रॉपर तरीका है वो है ऑनलाइन जाके चेक कर लेना।
अब बात करते हैं कि अब ऐसे में क्या किया जाए, क्या मेजर्स लिए जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि उनके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को, जो सांस लेने के उनके पैसेज हैं, उनको साफ रखा जाए। अब उनको साफ रखने के क्या तरीके हैं, सबसे पहला दिन में 3 से 4 बार उनको नेज़ो क्लियर ज़रूर डालो। नेज़ो क्लियर जो है वो नेज़ो सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, यानी सॉल्ट एंड वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, एब्सोल्युटली सेफ होते हैं। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज से लेके बड़े बच्चों तक सबको आप वो डाल सकते हो। तो 3 से 4 बार ज़रूर डालो, और रात के सोने से पहले और भी ज्यादा डालने की जरूरत है, क्योंकि रात को ऑक्सीजन जो है एज इट इज कम हो जाता है। नंबर 2, दिन में एक बार बच्चे को स्टीम देना बहुत जरूरी है। प्रेफर करो कि वो स्टीम जो है वो आप रात को सोने से पहले ही दो। अगेन रीजन जो है वो बिल्कुल सेम है, ऑक्सीजन वाला ही रीजन है। तो और बच्चे के लिए सोना जो है वो काफी आसान हो जाएगा, बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। स्टीम आप बिल्कुल नॉर्मल पानी की स्टीम दो, उसमें आपको कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मसाज जो है इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। अच्छी तरह से हल्के गुनगुने ऑयल से मसाज करने से, और उसके बाद बच्चे को गुनगुने पानी से नहला देने से, जो बॉडी के पोर्स होते हैं वो सारे प्रॉपरली खुल जाते हैं। तो अगेन ये भी जो है ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप आपको ये लेना है कि हाइड्रेशन को बढ़ा देना है। हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है पानी के थ्रू। अब होता क्या है कि ये टाइम ऐसा है, ये वेदर ऐसा है जब गर्मी नहीं है, ये बहुत ही गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं आई है, तो क्या होता है पानी पीने का आपका ज़्यादा मन नहीं करता है। बट पानी इसलिए ज़रूरी है कि वो सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। तो अगर आप पानी पिला सकते हो तो नथिंग लाइक इट, अगर आप नहीं पिला सकते तो फिर आप और फ्लूइड्स हो, जैसे नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, जूसेस हो गया, या ऐसे फ्रूट्स दे दो जिसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई है, जैसे कि आप तरबूज दे सकते हो, खरबूजा दे सकते हो, खीरा दे सकते हो, इन सब में वाटर कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क फ्रीक्वेंटली जो है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो है वो दो। आप अभी 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी या कोई और फ्लूइड नहीं दे सकते हो। तीसरा मेजर ये है डाइट। इस टाइम पे डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी फैटी फूड्स होते हैं, जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं, स्पाइसी फूड्स होते हैं, अवॉइड करना ही बेस्ट रहता है। जितना हो सके फ्रूट्स जो है और वेजिटेबल्स बच्चे की डाइट में हो। और सबसे ज़रूरी फोकस जो आपने रखना है वो रखना है विटामिन ए और विटामिन सी पे। मैंने यहाँ कुछ फूड्स आपके लिए भी लिस्ट डाउन किए हैं जिनमें विटामिन ए और सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो विटामिन ए के लिए कोई भी खाना जो येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, उसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होते हैं फ्रूट्स। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हो गए, जैसे ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, इन सब में आपको विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर आपको बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसे आंवला भी दे सकते हो, आंवले में भी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। इसके अलावा पपीता दे सकते हो, टमाटर में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, ब्रोकली में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। तो ये सब जो है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लाना, जो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, स्पेशली इस टाइम पे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कबीर सुबह उठता है, जब मैं उसको दूध दे देती हूँ, तो दूध देने के आधे पौने घंटे बाद मैं गुनगुने पानी में आधा चम्मच नींबू और 1 चम्मच हनी जो है वो मिला के कबीर को पिलाती हूँ। उसको लगता है कि मम्मा उसको टी दे रही है। वो आप कभी व्लॉग में भी देखोगे तो वो हमेशा उसको बोलता है कि मम्मा टी। उसको पीने में भी अच्छा लगता है क्योंकि हल्का गर्म होता है तो उसका जो पूरा थ्रोट है ये भी अच्छे से खुल जाता है। और हनी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे हम जानते हैं नींबू बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, नींबू रिच सोर्स है विटामिन सी का भी, विटामिन ए का भी। तो उससे जो गुडनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है वो उसकी बॉडी में चला जाता है अलॉन्ग विद वाटर। तो उसको लगता है वो टी पी रहा है, बट एक्चुअल में उसको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिक्स मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रात को सोने से पहले आप बच्चे को 1 चम्मच हनी जो है वो जरूर दो। इसके लिए आपका बच्चा 1 साल से ऊपर होना चाहिए। हनी आप 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते हो, आप खुद 1 चम्मच हनी लो। खाने के बाद गुड़ जरूर खाओ। गुड़ जो है जितने भी आपके लंग्स में इंप्योरिटीज होता है उसको क्लीन कर देता है। अगर खाने के बाद गुड़ आप बच्चे को नहीं दे सकते हो तो आप गुड़ को उसके बाकी खाने में डालने की कोशिश करो। जैसे आपने हलवा बनाया या आपने पैनकेक बनाया या आपने खीर बनाई, कोई भी मीठी चीज़ आपने बनाई, तो उसमें शुगर की जगह या हनी की जगह आप गुड़ डाल दो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट पाउडर इस टाइम पे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसपे आप ड्राई फ्रूट पाउडर बनाना देख सकते हो और उससे आप ड्राई फ्रूट्स जो है बच्चे की डाइट में डाल सकते हो। हल्दी अगेन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बच्चे के कोई भी एक दूध की जो फीड है, प्रेफरेबली रात वाली फीड, उसमें आप हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी डाल दो तो भी बच्चा जो है वो आराम से, उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है और जितनी भी उसकी बॉडी में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो काफ़ी हद तक वॉश ऑफ हो जाते हैं। हल्दी वाला दूध तो वैसे
कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब करने के अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आउटडोर एक्सपोजर को लिमिटेड रखें, स्पेशली अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत सिवियर है, तो आउटडोर एक्सपोजर को लिमिट रखो। आउटडोर में वैसे भी अब जाने का टाइम जो है वो काफ़ी बदल गया है, तो डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि जब सन अपने पीक पे होता है 12-1 बजे, वो टाइम जो है वो अच्छा टाइम है बच्चे को बाहर ले जाने का, अगर आप ले जाना चाहते हो। मुझे जो लगता है, मतलब मैं नहीं सोच सकती एक ऐसा दिन जब मैं कबीर को बाहर नहीं ले जाऊं, आप उस टाइम पे बच्चे को बाहर ले जा सकते हो। अब गर्मियां भी चली गई हैं तो वो एक वैसे भी अच्छा टाइम है, वेदर स्टैंड पॉइंट से भी ठंड भी नहीं होती है। या फिर आप जो सनसेट हो जाता है उसके बाद आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हो, तो नॉट दैट कि बहुत ठंड हो गई है, बट 7 बजे का टाइम, 6:30 बजे का टाइम, उस टाइम पर आप बच्चे को बाहर ले जाते हो तो वो भी जो है वो अच्छा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो फिर इंडोर ही रहना बेटर है, बट इंडोर रहने में आप ये मत समझ लो कि इंडोर में पोल्यूशन नहीं होता है, आपने सारी खिड़कियाँ बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए तो पोल्यूशन एंटर नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। घर के अंदर भी पोल्यूशन होता है, तो घर के अंदर के पोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हाइजीन मेंटेन करो। सफाई जो है आपके घर में एटलीस्ट 2 बार होना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा डस्ट घर से बाहर रहेगी उतना ही अच्छा है। सफाई होने के बाद घर के खिड़की दरवाजे सारे बंद करके रखो। हमें हमेशा, हम बड़े ही हुए हैं वेंटिलेशन के बारे में सुन के, खिड़कियाँ खोल दो, अच्छी हवा आने दो, बट अब हवा अच्छी रही नहीं गई है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि खिड़की दरवाजे जो हैं वो जैसे ही सफाई हो जाए बंद हो जाए, ताकि जो डस्ट है वो कम से कम घर के अंदर आए। इसके अलावा हाथ धोना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। बच्चा बाहर से आए, बच्चा घर में भी जब खेल के हटाए तब भी हाथ धो। बच्चे को आप खाना खिलाने से पहले, उसका खाना बनाने से पहले, उसको टच करने से पहले भी आप अपने हाथ को दिन में जितना ज़्यादा धोगे, बच्चा भी उतनी अच्छी तरह इसको एज अ प्रैक्टिस मान लेगा, और आप दोनों इसको एज अ एक्टिविटी एंजॉय भी करोगे, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। देन जब भी बाहर से आओ तो कपड़े जरूर चेंज करो अपने बच्चे के, बिकॉज जितने भी टॉक्सिन्स कपड़ों पे आके स्टिक कर जाते हैं वो आपका कपड़ा जितनी जगह लगेगा, जैसे आप बेड पे बैठे या आप किसी और कपड़े के कॉन्टैक्ट में आए, तो वो पास ऑन होकर आपके घर में भी वो सारे टॉक्सिन जो है वो फैलते जाएंगे, इसीलिए ये करना जो है बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसे मास्क भी पहना सकते हो। दो, मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं मास्क में, बट अगर दैट्स एन ऑप्शन तो आप वो भी कर सकते हो। छोटे बच्चों के साथ आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हैवी ट्रैफिक एरियाज़ को अवॉइड करो। और लास्टली, इंडोर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मैं एक टिप आपको ये दूंगी, समथिंग जो मैं भी अब फाइनली करने वाली हूँ, वो है कि एक हो सके तो अपने बजट्स को थोड़ा सा प्लान करके एक एयर प्योरीफायर में इन्वेस्ट करो, स्पेशली अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे पोल्यूशन लेवल जो है हाई है। जैसे मैं एक ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पोल्यूशन लेवल सिवियर कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा पुश कर सकती हूँ। हम काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे थे कि एयर प्योरीफायर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट अब मुझे नहीं लगता कि हम इसके बिना रह सकते हैं। ऑब्वियसली एयर प्योरीफायर थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर होते हैं इसलिए लोग नहीं लेते हैं, बट जिस तरह से टाइम्स चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम इतना सब कुछ करने के बाद भी पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले सालों में जैसे घर में लाइट और पंखा ज़रूरी होता है, वैसे ही एयर प्योरीफायर एक नेसेसिटी बन जाने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। तो हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है, मोस्ट लाइकली हम एयर प्योरीफायर अमेजोन से ही मंगाएंगे। अमेजोन पे दिवाली पे काफ़ी ग्रैंड सेल लगती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी जो हैं उन पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं सौरभ से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ऑप्शन सौरभ देख रहे हैं उन सारे ऑप्शन के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, ताकि आप लोग भी अगर सोच रहे हो ये इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको भी थोड़ी मदद मिल सके। आप वीडियो के नीचे स्क्रॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप सारे लिंक्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। सो गाइज, हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जितनी भी रेमेडीज मैंने बताई हैं वो हर किसी के लिए अप्लाई होती हैं। इस तरह से प्रिकॉशंस लेके हम जो है अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ रख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि बच्चे को या आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्लीज़ इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लीजिए। इसको बिल्कुल डिले मत कीजिए, डॉक्टर्स को अपने तरीकों से चेक करने दीजिए कि जो लंग्स हैं उनमें कितना डैमेज है या कितना इन्फेक्शन है। एयर पोल्यूशन सिर्फ फिजिकल इलनेस ही नहीं कॉज करता है, एयर पोल्यूशन ब्रेन को भी डैमेज करता है, एयर पोल्यूशन बच्चे की डेवलपमेंट को भी डिले करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको सिर्फ फिजिकली दिखेगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रॉडर इम्पैक्ट है। इसीलिए अपनी डॉक्टर विजिट्स में इसको ज़रूर डिस्कस करें। बच्चे की जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं उसको बिल्कुल टाइम पर लगवाएं, ताकि उसकी जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है वो वैक्सीनेशंस के थ्रू, वो डाइट के थ्रू जो है वो अच्छी तरह से बनी रहे।
रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें जरूर बताना, थम्स अप जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन दिया और उसके साथ बेल आइकन दिया है। अगर आप वो हिट नहीं करोगे तो आपको हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे नहीं मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके वहां पे पॉल्यूशन लेवल क्या है और आप इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर रहे हो या नहीं। आई नो कि कुछ लोग जो हैं वो घर पे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी लाके रखते हैं, तो वो भी एक तरीका है जिससे आप एक और तरह का प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो। बट मैं डेफिनेटली अपनी पूरी मॉमकॉम इंडिया फैमिली पे रिलाई कर रही हूँ कि वो भी हमें और आइडियाज देंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।